एक सभागार है PWD रेस्ट हाउस सेक्टरी पंचकुला का। यहाँ पर हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट का जो प्रथम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जब हरियाणवी संस्कृति का नाम आ गया तो भाई हरियाणा तो दिखेगा। आप चारों ओर देखो कि भाई पगड़ियाँ हैं, पगड़ियाँ हमारा पुराना लोक वाद्य संगीत लंगाड़ा, और ये इसके ऊपर बच्चे का खूबसूरत डांस इधर पुलिस कर्मी की सुरक्षा के अंदर तैनात है। ये हमारी मातृशक्ति आपके मैं सभागार के दर्शन करवाऊंगा। ये सर्वप्रेमी है, आप इधर से देखेंगे कि ये यहाँ पर स्वागत के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। साथ भी अमृता दीदी जी सौरात्रि जी जो स्वयं एक कलाकार हैं और इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। इधर संत अमरदास जी भी पधार रहे हैं, उनका भी बैनर लगा हुआ है। सामने देखो हरियाणवी संस्कृति का अद्भुत नज़ारा। जो इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके भी होर्डिंग यहाँ पे लगाए गए हैं। अभी आपको मैं सभागार के दर्शन करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर अद्भुत नज़ारे। ये है PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला का सभागार, जहाँ पर आज इस ट्रस्ट का प्रथम स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्पीकर हरियाणा विधानसभा, स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हरियाणा विधानसभा के द्वारा विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर करके इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। उसके बाद में विभिन्न कलाकारों ने हरियाणवी संस्कृति की छटा बखेरी, कोई दृश्य आपके सामने। स्वागत है श्री गुप्ता जी, हम करते हैं सम्मान, फिर अपने अध्यक्षीय भाषण में ज्ञानचंद गुप्ता जी के द्वारा ट्रस्ट को 2,00,000 रुपए देने की घोषणा की गई। वे अन्य वक्ताओं ने भी इस दौरान ट्रस्ट के कार्य की प्रशंसा की। मेरे द्वारा ट्रस्ट का अध्यक्ष सौरवत्री के जी के साथ में बात की गई, देखिएगा कुछ अंश। इतनी युवावस्था के अंदर हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा के संस्कारों को, हरियाणा की जो पहचान है उसको घर घर पहुंचाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट का स्थापना की, और एक वर्ष के इस कार्यकाल के अंदर
हरियाणा के लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया है। हरियाणा की एक खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत का गौरव बढ़ाने और हरियाणवी संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए हरियाणा कला परिषद और हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान मंच प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए कला परिषद द्वारा नृत्यों और रागनियों के माध्यम से जो आज के युवा वर्ग को हरियाणवी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वह काबिले तारीफ है। मैं समझता हूं कि इस हरियाणा संस्कृति उत्थान ट्रस्ट के माध्यम से आने वाले दिनों के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां एक नई जो कला की जो एक चेतना है वो युवाओं के अंदर आएगी। हम और मैं भाई सौरभ शर्मा को बधाई देता हूं। मैं आज इस संस्था को जो नई संस्था बनी है, मेरे मन के अंदर ये था कि मैं कुछ ना कुछ सहायता जरूर करूं। मैंने पहले सोचा था कि 1,00,000 रुपया इस संस्था को उत्थान के लिए, लेकिन ये जो गाना आपने प्लास्टिक मुक्त पंचकूला के लिए बनाया है, तो 1,00,000 रुपया और यानी 2,00,000 रुपये जो है इस संस्था को देने की घोषणा करता हूँ। इस जो हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का जो बीन बांसुरी ढोल नगाड़ा मैं विदेश से तो अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाना चाहता हूं, और कुदरती हरियाणा का पहली बार जो हरियाणवी फेस्टिवल जो 3 दिन चलेगा, 23, 24, 25 अगस्त को कनाडा में होने जा रहा है, और उसके अंदर हरियाणा से 12 कलाकार उसके अंदर हरियाणा के 12 कलाकार उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुदरती मुख्यमंत्री से पिछले दिनों मैं बात कर रहा था कि आपको वहाँ पे आना है, तो उन्होंने कहा कि हरियाणवी प्रोग्राम कनाडा में पहली बार हो रहा है, तो आप इसको अगस्त से नवंबर में चेंज कर दो। तो टेंटेटिव जो डेट है वो 2 नवंबर, क्योंकि नवंबर में हरियाणा डे होता है, तो 2 नवंबर को मना रहे हैं। और उसके अंदर मैं इस स्टेज के माध्यम से सौरभ और उनकी पूरी टीम को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, जिसका आपको राम राम भाई, राम राम सभी को। बहुत बढ़िया जी, आनंदमय आप लोग पधारे, आपका तहे दिल से आभार। आपकी सारी टीम का जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणवी। आप एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो अपनी अपनी पॉकेट से पैसा लगा करके हरियाणवी संस्कृति का उत्थान। ऐसा जी, पैसे की बात तो नहीं है, पैसा मेरा, ये सब लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, और आज सब लोग इस विश्राम गृह के लोकसभा लोक निर्माण विभाग के जो है विश्राम गृह में पधारे हैं। मैं सभी हरियाणवी संस्कृति प्रेमियों का, हमारे सभ्यता प्रेमियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और हमारी पूरी संस्था सभी का नतमस्तक होकर अभिवादन कर रही है। हमारे आज इस कार्यक्रम में कितने भी व्यक्ति यहां खड़े हैं, सबके सर पर पगड़ी मिलेगी, सबके गले में जय श्री राम, जय श्री राम का पटका मिलेगा, और लेडीज के सर पर चुंदड़ी मिलेगी। तो ये हमारी हरियाणवी संस्कृति है। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस, हाँ बिल्कुल हुआ था पिछले साल 1 नवंबर को किया था, और आज हमारी संस्था का प्रथम स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष पर किया। इंस्टाग्राम ने हरियाणवी संस्कृति का भट्टा बैठा दिया, ऐसा जी, जो आदमी इंस्टाग्राम पर जा रहे हैं, मैं उन सब ने एक बात कहूंगा, भाई इंस्टाग्राम ने छोड़ कर हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान ट्रस्ट का पेज फॉलो कर लियो, सभ्यता और संस्कृति का नमूना मिल जाएगा। बोलो जय हरियाणा। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस ट्रस्ट के सलाहकार MS नेगी जी, जो कि स्वयं उत्तराखंड से हैं, लेकिन हरियाणवी संस्कृति से इतना लगाव है कि वो भी इस ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर के अंदर हैं। नेगी साहब, राम राम जी। सर नमस्कार,
नेगी साहब, किस तरह का आयोजन आज किया जा रहा है? सर, बहुत भव्य कार्यक्रम है आज का, हरियाणा की संस्कृति को लेकर और हरियाणा की संस्कृति के लिए हमारा ट्रस्ट समय समय पर हरियाणा की उसको जीवंत रखने के लिए कार्य कर रहा है और सभी को इस उसमें आहुति देने के लिए आमंत्रित किया है। आप स्वयं उत्तराखंड से हैं और हरियाणवी संस्कृति से आपका इतना लगाव? सर, ऐसा है कि मेरी जो जन्मभूमि उत्तराखंड जरूर है, परंतु मेरी कर्मभूमि जो है हरियाणा है और मेरे को विगत 27 सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के उत्थान के लिए भी बार बार समय समय पर कार्य करता हूँ। उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, यहाँ पर उत्तरांचल युवा परिषद रजिस्टर्ड एक संस्था है, उसका भी अध्यक्ष हूँ। कला और संस्कृति के प्रति मेरा अथक लगाव है, जिसको जीवंत रखने के लिए मैं समय समय पर इससे जुड़ा हूँ और मैं दिल से संस्था का कार्य करने में सक्षम हूँ। धन्यवाद। ये थी एक विशेष रिपोर्ट PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला में हरियाणवी संस्कृति उत्थान ट्रस्ट के प्रथम स्थापना दिवस की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार फिर सभी दर्शकों को रणवीर धनखड़ की तरफ से राम राम।